छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के लिए भाजपा द्वारा मां दंतेश्वरी की प्रांगण दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। प्रदेश के अलग अलग जिला से होते हुए यह यात्रा 15 सितंबर को बालोद जिला के डोंडी नगर प्रवेश कर दली राजरा होते हुए बालोद जिला मुख्यालय पहुँचेगी, जहाँ आम सभा आयोजित के बाद रात्रि विश्राम कर अगले दिन 16 सितंबर को डोंडी लहारा विधानसभा मुख्यालय होते हुए गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के देवरी होते हुए राजनांदगांव जिला की ओर प्रस्थान होगा। परिवर्तन यात्रा में प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेताओं के अलावा केंद्रीय मंत्री शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही, जिसे लेकर भाजपा द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही और भाजपाइयों में इसे लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। जनता के बीच मन में ये आ चुका है कि भूपेश की भ्रष्ट सरकार से हमको मुक्ति चाहिए और ये मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा का आगाज किया है और माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद से आज ये यात्रा प्रारंभ हुई है। 15 तारीख को बालोद जिले के डोंडी पुलिस ग्राउंड पर ये आम सभा के रूप में परिवर्तित होगी और आप देखेंगे हजारों की संख्या में लोग उमड़ेंगे और यही जो है परिवर्तन की लहर जो है पूरे छत्तीसगढ़ में बहेगी। पूरे छत्तीसगढ़ से के हर जिले से ये यात्रा, हर विधानसभा से ये यात्रा गुजरेगी और मुझे लगता है कि इस यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार जाएगी। आज माँ दंतेश्वरी के पावन प्रांगण से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमने परिवर्तन यात्रा का आगाज किया। बहन स्मृति अनानी जी ने इस कार्यक्रम को वहाँ से शुरुआत की है और 15 तारीख को इस बालोद जिले में दो बजे पुलिस ग्राउंड पर डोंडी लोहारा विधानसभा की आम सभा होगी। तत्पश्चात दल्ली राजरा में 3 बजे स्वागत सभा है। शाम 5 बजे सरदार पटेल मैदान पर बालोद विधानसभा की सभा है, उसमें हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाई अरुण साहु जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और एक केंद्रीय मंत्री जी का रहना होगा। उसमें हजारों की संख्या में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बालोद विधानसभा की तरुणाई जो है उमड़ने वाली है और आप देखेंगे कि भूतो न भविष्यतो जो कार्यक्रम अभी होने वाला है, ऐसा कार्यक्रम इस विधानसभा में पहले कभी नहीं हुआ है। परिवर्तन का जो वेग उठा हुआ है दंतेश्वरी माई के प्रांगण से, उसका जो ज्वार है वो आपको 15 तारीख को बालोद में दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।